दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। और अब हम आए हैं, जैसे है ना बाकी बिहारी टेंपल हमने देखा, तो अब हम आए हैं मदर मोहन टेंपल पे। देखिए बड़ा ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ। बंद है। दोस्तों बड़ा खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और लेकिन चारों तरफ बंदर फैले हुए हैं। और जो इसकी स्थापत्य शैली है वो साउथ इंडिया के जो टेंपल्स होते हैं उनसे मिलती जुलती है। दोस्तों इसकी विषय वस्तु को समझा जाए तो जैसे है ना, एक तो ये मतलब जैसे है ना मंदिर बना हुआ है उसके में क्या ही चारों तरफ से जैसे दीवार बनाई गई है और इसमें ना विभिन्न कलाकृतियों को दिया गया है। जैसे ये फूल जो कमल होते हैं उसके, और इसके बाद ये जैसे कमल दिया गया है फ्लावर्स को, और कई आकृति दी गई हैं फ्लावर्स की, सुदर्शन की, त्रिशूल की। और इस मंदिर को ड्रेविड शैली, साउथ ड्रेविड शैली पे बनाया गया है। और ये महात्मा जी थे और बहुत ही सुंदर। दोस्तों ये मदन मोहन टेंपल है लेकिन इसके क्या है कि पट तो बंद हो चुके हैं क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। बाकी जो हमने है ना जो विषय वस्तु है शैली और मंदिर की जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया, क्योंकि इसमें तीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं दोस्तों। एक तो ये स्ट्रक्चर जो आयताकार स्ट्रक्चर में है और ऊपर है ना इसके मतलब गुंबद बनाया हुआ है और पत्थरों से, और एक ये स्ट्रक्चर है जो एक है ना जैसे साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं उनके आधार पर है, उसके एक बगल में स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है। तो यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, और लाल बलुआ पत्थर से ये इनका निर्माण किया गया है। दोस्तों मथुरा को है ना ये धाम कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया का धाम कहा जाता है। इनका इसका विवरण है ना एक बड़े धाम में किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मंदिरों की संख्या है वो अगणित है, अगणित है। जो बांके बिहारी मंदिर है या श्री कृष्ण जी के मंदिर है इसे जन्म है जो कृष्ण जी के मंदिर हैं उनकी गिनने की संख्या अगणित है, मतलब उन्हें गिना नहीं जा सकता। इतने मंदिर मिलेंगे आपको और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। दोस्तों ये हम आपको है ना बैक साइड से आपको दिखा रहे हैं, हम आपको सामने ले चलते हैं। दोस्तों इसकी आकृति को समझा जाए तो जैसे मैंने पहले बताया आपको ये फ्लावर्स बने हुए हैं जो कमल के फूल होते हैं, उसके ऊपर देखा जाए तो ये एक कलश नुमा आकृति बनी हुई है। ये देखिए ये जो कलश नुमा आकृति है, फिर फ्लावर्स हैं, फिर त्रिशूल और ये स्तंभ, मतलब पूरा जो आर्किटेक्चर किया जाए है वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग किया गया है। और मदन मोहन का बहुत ही सुंदर मंदिर। दोस्तों ये थी मदन मोहन टेंपल जो मथुरा में है उसकी वीडियो। दोस्तों ये था मदन मोहन टेंपल्स जो काफ़ी अच्छा बना हुआ था और साउथ इंडियन ड्रेविड शैली पे बना हुआ था।
और ये आप वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। राधे राधे।